उस वक्त महात्मा गांधी की पुकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच रही थी, भला कौन घर में बैठ सकता। आज की पूरी कहानी एक ऐसे कलाकार के जीवन से है जिस पर एक एक्शन फिल्म बन सकती है। उनमें खूबियां तो इतनी है कि उन्हें बताने के लिए हमें पहले एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। अरे मैं क्या, मेरी बातें क्या, जो जी में आता कह देता हूँ। जिसे भोजपुरी सिनेमा का पितामह कहा जाता है। क्या करी भैया, जब बुरा वक्त आवेला तद में चार तो गोड़ हाथ मारेला। तो भारतीय सिनेमा में हम उन्हें नजीर हुसैन के नाम से जानते हैं। वैसे तो कुछ लोग इन्हें बॉलीवुड का आंसुओं का कनस्टर कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं नजीर हुसैन साहब को पहले तो इन्हें जानने वाले सभी लोग मरा समझ बैठे थे, पर जब ये जिंदा निकले तो इन्होंने तबाही मचा दी। आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि इन्हें सरकार ने फांसी की सजा सुना दी थी। जब इनकी मुलाकात भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस से हुई तो उन्होंने इन्हें आखिर क्या काम दिया था? अरे असली वक्त तो अब आया है जागने का, जित पड़ो जी जान से नया हिंदुस्तान बना देते। तो आइए दोस्तों, इनके जीवन से जुड़ी कई एक्शन थ्रिलर और मनोरंजक बातों को जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड। जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो, हम गरीबों के यहाँ खाने के लिए नमक नहीं होता। गायत्री पछतावे की आग इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। नजीर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गाँव उसिया में हुआ। इनके पिता का नाम साहबजादा खान था जो कि एक किसान थे। 1922 के उस गरीबी के दौर में पिता बामुश्किल परिवार को पाली रहे थे। पूरा परिवार मिलजुल कर खेती करता, फिर भी पेट पालना भी मुश्किल हो रहा था। परिवार पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा था और इन्हीं कर्जों के चलते गांव के एक रईस जमींदार ने उनकी जमीन तक छीन ली और अब तो एक एक खुराक रोटी के भी लाले पड़ गए थे। अब साहबजादा खान रोटी की तलाश में अपने गांव उसिया को छोड़कर लखनऊ शहर में आ गए। गलीमत रही कि कुछ दिनों तक भटकने के बाद उन्हें रेलवे के गार्ड की नौकरी मिल गई। तो फिर नजीर साहब का पालन पोषण वहीं लखनऊ में हुआ। उस शहर में रहते हुए नजीर साहब ने शिक्षा तो बहुत अधिक नहीं प्राप्त की, पर नजीर साहब को इस शहर से उर्दू का शौक मिल गया। इन्हें रंगमंच के नाटक अपनी ओर खींच लाए। रंगमंच के नाटकों में नजीर साहब ऐसा मस्त हुए कि अब्बू को भी लगने लगा कि इनका बेटा अब हाथ से बेहाथ हो गया है। पिता साहबजादा खान चाह रहे थे कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उन्होंने कई लोगों से सिफारिश की। उसके बाद नजीर खान साहब को फायरमैन की नौकरी दिलवा दी। अक्कर स्वभाव के नजीर साहब को ये सब जम नहीं रहा था, वे जल्द ही अपनी इस नौकरी से उकता रहे थे। वैसे तो नजीर साहब बेहद महत्वाकांक्षी स्वभाव के थे। तभी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। युवा नजीर भी जोश से भरे रहते थे, कुछ नया और जोखिम भरा करने का उत्साह भरा रहता। उनके जोखिम भरे काम करने का समय भी आ गया था। उन्होंने झट से नौकरी छोड़ दी और तुरंत ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। जोश से भरे नजीर को लड़ाई लड़ने के लिए सिंगापुर भेज दिया गया। कुछ ही दिन सिंगापुर में रहने के बाद उनका तबादला मलेशिया हो गया। मलेशिया में माहौल बहुत खराब हो गए। जापान की सेना के साथ आमने सामने की लड़ाई में इनकी टोली हार गई। नजीर साहब को इनकी टोली के साथ जापानी सैनिकों ने पकड़ लिया और इन्हें जेल में डाल दिया। उसी जेल में उनकी मुलाकात हुई आजाद हिंद फौज के सहयोगी और कट्टर बहादुर सैनिक से। वहां उस सैनिक ने नजीर साहब को सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ बताया। नजीर साहब भी सुभाष चंद्र बोस से बेहद प्रभावित हुए और वो मनी मन इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सिपाही से आग्रह किया कि कृपया करके मुझे कैसे भी आजाद हिंद फौज का एक हिस्सा बनवा दो, मैं भी उनकी फौज में शामिल होना चाहता हूँ। बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। तभी समय बीता और जापानी फौज ने इनके अच्छे व्यवहार के चलते इन्हें रिहा कर दिया। नजीर साहब की आंखों में अगर कुछ था तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। नजीर साहब सीधे भारत आए और सीधे सुभाष चंद्र बोस जी के पास पहुंच गए। नजीर खान साहब ने उनसे आग्रह किया कि कृपा करके आप उन्हें आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना लें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी नजीर हुसैन साहब के जोश से प्रभावित थे। तुम
मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने नजीर को आजाद हिंद फौज में शामिल कर लिया। तो नेताजी ने उन्हें आजाद हिंद फौज के प्रचार प्रसार का काम दिया। नजीर हुसैन साहब आजाद हिंद फौज के सारे कामों को बड़ी तन्मयता से करते। ऐसे में साल था 1944। उस दिन नजीर साहब ने सुभाष चंद्र बोस जी और उनके साथी क्रांतिकारियों पर एक नाटक लिखा। उस नाटक का नाम था बलिदान। इस नाटक का नजीर साहब ने खुद मंचन किया। सुभाष चंद्र बोस साहब ने जब इस नाटक को अंत तक देखा, तब नाटक के खत्म होते ही सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होकर जोश में तालियां बजाने लगे। डॉक्टर, आज अगर मैं पागल भी हो जाऊं तो मुझे परवाह नहीं डॉक्टर, मुझे। पर इधर द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म हुआ, मगर अंग्रेज सरकार ने इनकी बगावत के चलते इन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया और तो और इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। दैनिक भास्कर अखबार में लिखे एक लेख के अनुसार इन्हें लाल किले में फांसी होनी थी। पुलिस नजीर हुसैन साहब को फांसी पर लटकाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। शायद मैं डांस करने लगता, जोर-जोर से गाने लगता, दरिया में खुद को तैरने लगता। इसी तरह से इनके साथी क्रांतिकारियों को ये भनक लग गई कि आजाद हिंद फौज के सिपाही नजीर हुसैन साहब को ट्रेन से दिल्ली ले जाया जा रहा है, वहां पर लाल किले पर इन्हें फांसी दी जाएगी। साथी क्रांतिकारियों ने घनघोर जंगल में ट्रेन पर हमला कर दिया, नजीर हुसैन साहब को छुड़वा लिया। अब नजीर हुसैन साहब एक बार मौत के मुंह से बाहर आ गए थे, पर नजीर हुसैन साहब के मन में जोश कम नहीं हुआ था और तो और अब की बार जोश और जज्बा और ही ज्यादा उफान पर। ये तुमसे किसने कहा? मैं एक अमीर आदमी हूँ और अमीर आदमी किसी गरीब आदमी का दोस्त नहीं हो सकता। नजीर हुसैन साहब रोज ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ बड़े बड़े कारनामे कर रहे थे, पर दुर्भाग्यवश एक बार फिर उन्हें पकड़ लिया गया। अब की बार नजीर हुसैन साहब को ब्रिटिश सरकार ने अपने निवास से दूर हावड़ा जेल में बंदी बनाया और तो और नजीर के घर वालों को भी कोई खबर नहीं दी गई। घर वालों को लगा कि शायद नजीर की मृत्यु हो गई है। गांव में खबर फैल गई कि अंग्रेजों की गोलियों से नजीर मारे गए। जब उनके गांव से खबर उनके परिवार तक पहुंची तो परिवार का बुरा हाल था और तो और नजीर का भी हावड़ा जेल में हाल बेहाल था। उन्हें लग रहा था कि परिवार का कोई भी आदमी उनके हालचाल लेने तक नहीं आया। चंद महीने ही बीते थे कि नजीर की जेल को शिफ्ट होने के आदेश आ गए। उन्हें हावड़ा की जेल से दिल्ली सेंट्रल जेल ले जाना था। पुलिस उन्हें हावड़ा से दिल्ली ले जा रही थी। रास्ते में दिलदार नगर स्टेशन पड़ा, ट्रेन वहां पर रुकी। नजीर हुसैन साहब उदास मन से ट्रेन की खिड़की से झांक रहे थे, तभी उनकी नजर बाहर खड़े उन लोगों पर पड़ी जो उनके गांव के थे। उन्हें लग रहा था कि अगर किसी तरह से भी इन गांव वालों को ये पता लग जाए कि मैं जिंदा हूँ तो उनके घर वालों तक ये बात जरूर पहुँच जाएगी। चालाक नजीर हुसैन साहब के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने एक कविता लिखने के लिए एक कागज और एक पेन साथ खड़े एक सिपाही से मांगा। सिपाही ने पहले तो हंसा, फिर उसने उन्हें कागज और कलम लाकर दे दी। नजीर हुसैन साहब ने कागज में कविता तो नहीं पर एक छोटी सी चिट्ठी लिखी। खत में था, मैं मरा नहीं हूँ, अंग्रेजों की कैद में हूँ, अभी जिंदा हूँ। कुल मिलाकर 12 साल जेल में बिताए। 12 साल? नजीर आगे कुछ लिखते कि ट्रेन की सीटी बज उठी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। नजीर ने तुरंत उस खत को गुड़मुड़ाया और ट्रेन की खिड़की से जोर से बाहर फेंक दिया। चिट्ठी आखिर उन गांव वालों के पास तक तो पहुंच गई। उनकी नजर आखिर उस छोटे से कागज पर पड़े तो पड़े कैसे? नजीर हुसैन साहब दिमाग के बहुत तेज थे। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, या खुदा या खुदा। वहां मौजूद पुलिस के सिपाही हड़बड़ा गए। उन्होंने नजीर हुसैन साहब को पकड़ा और कहा, क्यों फालतू में जोर जोर से चिल्ला रहे हो? पुलिस वालों के पूछते ही उन्होंने कहा कि मेरे पेट में बहुत जोर सा दर्द उठा है। इस जोर जोर के चीखने से वहां खड़े उन गांव वालों की निगाह भी नजीर हुसैन साहब पर पड़ी। किसी एक गांव वाले ने कहा कि अरे, ये तो अपने गांव का क्रांतिकारी नजीर है। दूसरे गांव वाले ने कहा, शायद इसी ने कुछ फेंका है।
उन्होंने उस कागज को पढ़ा। उस चिट्ठी को पढ़ते ही सारी कहानी उन गांव वालों को समझ में आ गई। घर वालों तक उनकी ये बात पहुंचा दी गई। कुंदनिया, उसका खत आया, उसका खत आया। खत है? दिखा तो मुझे, मेरे कुंदन का खत है। नजीर जिंदा है। दुखी परिवार को राहत मिली। कई प्रयासों के बाद भी नजीर को छुड़ाया नहीं जा सका। फिर वो दिन आया जिसके लिए पूरा भारत वर्ष आंखें बिछाए इंतजार कर रहा था। 15 अगस्त 1947, जब भारत आजाद हुआ और इस दिन सभी क्रांतिकारियों को आजाद कर दिया गया। इसमें नजीर हुसैन साहब भी आजाद हुए। स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर नजीर हुसैन जी को जीवन भर रेलवे का फ्री पास मिला। आजादी की खुशी तो पूरे भारतवर्ष में थी, पर साथ ही एक दर्द था, बंटवारे का दर्द। नजीर के गांव में भी अधिकतम मुसलमान पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, पर नजीर हुसैन साहब ने भारत में ही रहने की ठानी। एक बार इन्हीं आपस के झगड़ों ने मैं गुलाम बना दिया था। अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो। भारत तो आजाद था, पर आखिर इस भारत में उनके पास क्या बचा था? उनके परिवार के भी लगभग कई लोग पाकिस्तान चले गए थे। नजीर हुसैन साहब के पास पेट पालने के लिए कोई काम भी नहीं था, और ना ही वो फायरमैन वाली नौकरी। आखिर नजीर हुसैन साहब करते तो क्या करते? मैं आपसे कितनी बार कहा कि मेरी बीमारी दवा से अच्छी होने वाली नहीं। तभी एक चर्चा खूब शोर में थी। भारत सरकार आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को भारत की सेना में शामिल करने जा रही है। नजीर हुसैन साहब को तसल्ली हो गई, चलो मुझे नौकरी मिल जाएगी। पर भारत सरकार ने अंततः ये करने से मना कर दिया। नजीर साहब की मुश्किलें और बढ़ गई थी। तभी परेशान नजीर को उनके दोस्त ने राय दी, आप सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के पास कलकत्ता जाएं। वहां पर आप अपनी पूरी गाथा बताएं, वो आपको जरूर कोई ना कोई काम देंगे। काम नहीं देंगे तो मदद जरूर कर देंगे। नजीर साहब दूसरे दिन ही कलकत्ता पहुंच गए। शरदचंद बोस साहब ने उन्हें राय दी, देखो अभी तो कुछ काम नहीं है, मगर मैं तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम बताऊंगा। पर तुम्हें तो पेट पालना है, तुम नाटक का मंचन तो अच्छा कर लेते हो और उन्हें लिख भी लेते हो, तो क्यों ना तुम कलकत्ता की गलियों में घूम घूम कर इन नाटकों के मंचन का प्रदर्शन करो। और नजीर हुसैन साहब को भी ये बात खूब भा गई। अब नजीर साहब कलकत्ता की गलियों में घूम घूम कर खुद के लिखे नाटकों का मंचन करने लगे। नाटकों के विषय भी हमेशा क्रांतिकारियों, बलिदानों और आजाद हिंद फौज के अनुभवों पर थे। पर भाग्य आपको कहां ले जा रहा है ये शायद आपको पता ही नहीं होता है। कलकत्ता के एक चौराहे पर जब नजीर हुसैन साहब नाटक कर रहे थे, नाटक का नाम था सिपाही का सपना, तभी उन पर नजर पड़ी मशहूर थिएटर आर्टिस्ट बीएन सरकार की। उन्हें नजीर का लिखा ये नाटक बहुत पसंद। बीएन सरकार नजीर के पास गए और बोला, तुम थिएटर ज्वाइन करोगे, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगा। नजीर हुसैन साहब को बीएन सरकार की ये बात भा गई, क्योंकि अब उन्हें करना तो वही था, बस गलियों गलियों में भटकना नहीं था और उसके लिए उन्हें बंधी तनख्वाह भी मिलनी थी। तो नजीर साहब अब रोज थिएटर करते और बड़े बड़े लोग उस जमाने में थिएटर देखने आया करते थे। ऐसे में भारतीय सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर विमल राय साहब भी आए। ऐसे विमल राय थिएटर देखने नहीं आए थे, वे आए थे अपने काम की खोज। डायरेक्टर विमल राय साहब सुभाष चंद्र बोस पर एक फिल्म बनाना चाह रहे थे और वास्तविकता की खोज में वे आजाद हिंद फौज के किसी सिपाही की तलाश में थे, जो कि उस दरमियान हुई घटनाओं का वास्तविकता से वर्णन कर सके। पर जब उन्हें पता लगा कि नजीर हुसैन, जो कि इस नाटक में काम कर रहे हैं, वे आजाद हिंद फौज का हिस्सा रहे हैं, विमल राय साहब को लगा कि चलो मेरी तलाश भी आज यहीं से खत्म हो गई। नजीर जी को अपनी फिल्म निर्माण के साथ काम करने को कहा। वैसे तो नजीर हुसैन साहब ने कभी सिनेमा के बारे में कुछ सुना ही नहीं था और ना ही वो सिनेमा में काम करने के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने विमल राय साहब से साफ साफ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं रोज यहाँ अपने मन मुताबिक काम कर लेता हूँ और मेरी गुजर बसर अच्छी चल रही है। तब डायरेक्टर विमल राय साहब ने भारतीय सिनेमा की नजीर को पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा, जो तुम पहले गलियों में करते थे वो अब थिएटर में कर रहे हो, अब तुम्हें एक साथ ज्यादा लोग देख रहे हैं, पर जब तुम सिनेमा करोगे
तो तुम्हें पूरा देश देखेगा। नजीर हुसैन साहब को विमल राय की ये बात भा गई। विमल राय साहब के साथ वो काम करने के लिए मान गए। विमल राय साहब सुभाष चंद्र बोस जी पर जो फिल्म बना रहे थे उसका नाम था पहला आदमी। विमल राय जी ने नजीर हुसैन की काबिलियत को देखते हुए कहानी लिखने का काम भी उन्हें ही सौंप दिया। धीरे धीरे नजीर विमल राय के असिस्टेंट बन गए। नजीर हुसैन साहब विमल राय साहब की हर फिल्म में स्क्रीन प्ले और उनकी हर फिल्म में अभिनय किया करते, फिर चाहे वो परिणीता फिल्म हो या अनुराधा फिल्म। वैसे नजीर हुसैन साहब के अभिनय की हर फिल्म में तारीफ हो रही थी। अब दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी नजीर को अप्रोच कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने सम्मी कपूर स्टारर जीवन ज्योति फिल्म में काम करके दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी और दो बीघा जमीन में इनके किए अभिनय को आज भी शायद कोई न भूल पाया हो। आपकी वजह से कुछ भी नहीं कमा सका, तो अपनी हालत जानते हो, रोज कमाना और रोज खाना। जिस फिल्म में इन्होंने एक रिक्शा वाले की भूमिका निभाकर सबकी तारीफ लूटी, फिर तो इनकी सुपरहिट फिल्मों का कारवां चल उठा। समाज, बंदिश, भाई भाई, बाप बेटी, दो रोटी, काला पानी, देवदास, इंस्पेक्टर, नया दौर, रागिनी, मुसाफिर, परवरिश, कन्हैया और कंगन जैसी न जाने कितनी सुपरहिट फिल्मों में अपनी अभिनय की छाप छोड़ी। एक आदमी की सूरत देखकर उसकी नीयत का पता नहीं चलता, तो उसके रुपए लौटा देना। अब नजीर हुसैन साहब भारतीय सिनेमा का एक ब्रांड बन गए थे। बड़े बड़े पुरस्कार समारोह में उन्हें बुलाया जाता था। तू है बेटी और वो भी डॉक्टर, अब तो कोई डॉक्टर ही आएगा इस घर में। इसके बारे में भी कुछ सोचा तूने? ऐसे में एक पुरस्कार समारोह के दौरान नजीर हुसैन साहब की मुलाकात होती है भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब से। वैसे ये मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प थी। नजीर हुसैन साहब दिखने में बड़े सुडौल कदकाठी के लंबे चौड़े व्यक्ति थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने जब उन्हें देखा तो कहा, लगता है आप पंजाबी हैं। नजीर जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सर मैं गाजीपुर से हूँ। राजेंद्र प्रसाद खुद बिहार से ताल्लुक रखते थे, तो ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक ही जगह के दो लोग कहीं दूर मिल जाते हैं तो उनकी भावनाएं बड़ी मंत्रमुग्ध होकर टकराती हैं। दोनों स्थानीय भाषा में बात करने लगते हैं और उस दिन भी शायद ऐसा ही हुआ। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और नजीर हुसैन साहब दोनों भोजपुरी भाषा में बात करने लगे। बातों बातों में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, आपकी भोजपुरी भाषा में बहुत अच्छी पकड़ है। धीरे धीरे ये बातों का सिलसिला और आगे बढ़ा। फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने मन की बात नजीर हुसैन साहब के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि अपने सिनेमा में कभी भोजपुरी भाषा में फिल्में नहीं बनती और अपनी इस भाषा में भी फिल्में जरूर बननी चाहिए। खैर ये बात दोनों के बीच में हो तो गई, पर नजीर हुसैन साहब के मन में ये बात घर कर गई। उन्होंने सोच लिया था कि मैं अब भोजपुरी भाषा में फिल्म जरूर बनाऊंगा। जब वो अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्हें याद आया कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर एक कहानी लिखी थी। वो स्क्रिप्ट उन्होंने अपने चहेते मित्र डायरेक्टर विमल राय को दे रखी थी। विमल राय साहब को वो स्क्रिप्ट पसंद भी खूब आई थी, पर वो अगले ही दिन विमल राय साहब के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मुझे वो स्क्रिप्ट वापस कर दो। विमल राय बोले, अरे आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम स्क्रिप्ट वापस मांग रहे हो? तब नजीर साहब ने कहा, अब इस कहानी पर मैं फिल्म बनाऊंगा और भाषा भोजपुरी होगी। विमल राय साहब ने बड़े आश्चर्य भरे अंदाज में कहा, ये भोजपुरी कौन सी भाषा होती है? तब नजीर हुसैन साहब बोले, ये बिहार की भाषा है, ये हमारी और आपकी भाषा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा है। समस्या ये भी थी कि फिल्म के लिए चाहिए थी तो एक भारी भरकम रकम, और इधर कोई भी प्रोड्यूसर इस भाषा का नाम सुनते ही हाथ पीछे खींच लेता था। इधर उन्हीं दिनों बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े व्यापारी विश्वनाथ प्रताप सावादी की बड़ी चर्चा थी। उनकी बड़ी बड़ी कोयले की खदानें थी, बड़े बड़े सिनेमा घर थे और न जाने कितने व्यापार थे। कहते हैं ना कि अगर आप कुछ करने की ठान लें तो सफलता की कड़ियां खुद ब खुद जुड़ती चली जाती हैं। और व्यापारी विश्वनाथ प्रताप सहबादी के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बड़े अच्छे तालुकात थे। ये तालुकात यूं ही मामूली नहीं थे। वर्ष 1938 में विश्वनाथ प्रताप सहबादी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से 6000 यार्ड
खादी का कपड़ा खरीदा था जिसके उन्होंने प्रसाद जी को 15,000 रुपए दिए थे। वैसे उनका ये भारत की आज़ादी में एक सहयोग था और तब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके संबंध बहुत प्रगाढ़ हो गए थे। इधर राजेंद्र प्रसाद जी के मन में हमेशा से ये इच्छा थी कि कब भोजपुरी भाषा में कोई फिल्म बनेगी। राजेंद्र प्रसाद जी ने विश्वनाथ प्रताप जी से आग्रह किया कि वो एक भोजपुरी फिल्म में अपना पैसा लगाएं। विश्वनाथ जी को ये विचार भी बहुत अच्छा लगा, पर विश्वनाथ जी पैसा लगा सकते थे, फिल्म बनाना उन्हें नहीं आता था। विश्वनाथ जी ने ये विचार ठान लिया था कि अब भोजपुरी भाषा में फिल्म तो बना के ही छोड़ूंगा। वो सीधे मुंबई पहुंच गए। उस जमाने में मुंबई में भी गिने चुने स्टूडियो हुआ करते थे। वो मुंबई के एक फिल्म स्टूडियो पहुंचे और वहीं की कैंटीन में बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीते समय उनके सेक्रेटरी ने उनसे बात करनी शुरू कर दी कि आखिर हमारे पास पैसा तो है, पर हम कैसे हीरो हीरोइन की तलाश करेंगे, हमें एक अच्छी टीम कैसे मिलेगी। वहीं पास में बैठे नज़ीर साहब भी इनकी बातों को सुन रहे थे। नज़ीर साहब ने तुरंत दोनों की बातों पर हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, मैं भी एक भोजपुरी भाषा में फिल्म बनाना चाहता हूँ, पर मेरे पास उस फिल्म में लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, मुझे कोई प्रोड्यूसर मिल ही नहीं रहा है। बातचीत तय हो गई और निकल कर निष्कर्ष ये आया कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे इस भोजपुरी फिल्म बनाने में। व्यापारी से प्रोड्यूसर बने विश्वनाथ जी ने नज़ीर साहब से कह दिया कि जो भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, बस आप फिल्म बनाइए। फिल्म का नाम तय हुआ गंगा मैया तुहे पेरी चढ़ाई बे। इस मूवी में स्क्रीन प्ले और डायरेक्टर का काम खुद नज़ीर साहब ने किया। फिल्म में बतौर हीरो एंट्री हुई अभिनेता आसिन कुमार की और नायिका बनी बॉलीवुड की अदाकारा कुमकुम। फिल्म के गाने लिखे उस समय के मशहूर लेखक शैलेंद्र जी ने और इन भोजपुरी गानों को गाने का काम किया मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने। अब जहां सब कुछ इतने बड़े स्तर पर हो रहा हो वहां फिल्म का बजट तो बढ़ना ही था। पर इतना बढ़ना था ये तो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, 1.5 लाख का बजट पहुंच गया 5 लाख रुपए। तो इसके लिए तो आपको पहले फिल्म की कहानी भी जाननी होगी। कहानी कुछ यूं है कि हीरो आसिन कुमार को हीरोइन कुमकुम से प्यार हो जाता है। जहां फिल्म में हीरोइन तो गरीब है, हीरो के पिता बहुत लालची हैं। वो लालच में ढेर सारा भारी भरकम दहेज मांगते हैं। हीरो अपने पिता को खूब समझाता है पर पिता कहाँ मानने वाले, शादी टूट जाती है। इधर दुखी हीरो भी अपने पिता का घर छोड़कर चला जाता है और हीरोइन कुमकुम की शादी उनके पिता 60 साल के एक बूढ़े व्यक्ति से कर देते हैं। और चंद दिनों में ही कुमकुम के पति जो कि वृद्ध थे वो भी मर जाते हैं और जीवन की परेशानियों से तंग होकर हीरोइन आत्महत्या करने की कोशिश करती है। पर इस कोशिश में भी नाकाम होकर हीरोइन कोठे तक पहुंच जाती है और एक दिन उसका आशिक यानी कि फिल्म का हीरो भी वहीं पहुंच जाता है। पर जब इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया जाता है और उन्हें यह फिल्म दिखाई जाती है तो राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि आपको हीरोइन को कोठे पर नाचते दिखाना जरूरी था। तब नज़ीर साहब लाजवाब जवाब देते हैं। नज़ीर साहब सर झुकाकर कहते हैं, सर बिल्कुल जरूरी था, हीरोइन को कोठे पर नाचते दिखाना इस फिल्म की बेहद मांग थी क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, वो मजबूर थी। उन्होंने कहा कि मैं लड़कियों की शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, यहाँ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता। वो दिन लाज नहीं लगा। वैसे इस फिल्म ने समाज की एक और कुरीत पर गहरा प्रहार किया, वो थी विधवा पुनर्विवाह। इस फिल्म में विधवा पुनर्विवाह को दिखाया गया है जो उन दिनों 60 के दशक में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इस फिल्म के अंत में हीरो हीरोइन से विवाह कर लेता है और नज़ीर साहब को यही तो फिल्म में दिखाना था। पर जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो पूरे भारत में हड़कंप मच गया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दर्शकों का हुजूम उठा।
लोगों को लग रहा था ये तो हमारे जैसे कलाकार हैं, हमारी जैसी बोली बोलते हैं, हमारे जैसे परिधान पहनते हैं और कुछ अपने ही जैसे दृश्य, अपना समाज। आपको बता दें, इस फिल्म में नज़ीर हुसैन साहब ने खुद भी एक्टिंग की। भोजपुरी भाषा में फिल्म का बनना बेहद अनोखा था। बिहार यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी यह फिल्म जोरदार प्रदर्शन कर रही थी। दिल्ली में तो सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों के लिए एक स्पेशल शो चलाया, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम जैसे नेता ने इस फिल्म को देखा। और तो और, आपको जानकर हैरानी होगी कि बम्बई जैसे आधुनिक शहरों में भी ये फिल्म 6 से 8 हफ्तों तक चल रही थी। अब समय आ गया था कि प्रोड्यूसर भोजपुरी सिनेमा में पैसा लगाने को ललायित थे। फिर नाज़िर हुसैन साहब ने न जाने कितनी भोजपुरी फिल्में बनाई, हाँ, मगर उन्होंने हिंदी सिनेमा से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने बॉलीवुड की भी खूब फिल्में बनाई, जैसे कि लीडर, बम्बई का बाबू, श्रीमान सत्यवादी, असली नकली, छाया, प्रेम पुजारी, राम और श्याम, गंगा जमुना, साहब बीबी और गुलाम, भूत बंगला, दिल ही तो है, कश्मीर की कली, गीत, कटी पतंग, जुगनू, ज्वार भाटा, शर्मीली, धर्मात्मा, दिलदार, जीवन साथी, चरस, अनुराग, आग जैसी फिल्में। और तो और, उन्होंने अपने जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया, फिर चाहे वो अमर अकबर एंथोनी हो या द बर्निंग ट्रेन। हाँ, नज़ीर साहब ने 400 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। अधिकतर फिल्मों में नज़ीर साहब एक पीड़ित पिता तो कभी मजबूर दादाजी का किरदार निभाते दिखते थे। बेटी, मैंने अपने हाथों अपने बेटे को खो दिया। शायद ये उनकी नेचुरल एक्टिंग ही थी कि आज के दशक में भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। नज़ीर हुसैन साहब के रोने के सीन फिल्मों में अलग से लिखकर जरूर डाले जाते थे। शायद इसीलिए तो भारतीय सिनेमा उन्हें आंसुओं का कनस्टर कहकर पुकारता है। अरे, असली वक्त तो अब आया है जागने का। जित पड़ो जी जान से नया हिंदुस्तान बना देते। पर इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था। नज़ीर साहब का स्वास्थ्य 80 के दशक के आते आते बहुत खराब रहने लगा। डॉक्टर, मुद्दत के बाद मेरी जिंदगी के अरमान पूरे हुए हैं। 1986 में लॉ एंड गॉड उनकी अंतिम फिल्म रिलीज हुई। हमारे बच्चे बड़े होकर दुनिया के सामने सर ऊंचा करके कह सके भारत के रहने वाले। 21 अक्टूबर 1987 की एक रात काली रात बनकर आई। उस रात नज़ीर साहब अपनी एक भोजपुरी फिल्म में काम कर रहे थे। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर काम की लगन उन्हें हमेशा तरोताजा ही दिखाती। इतने स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उन्हें देखकर ऐसा लगता कि उन्हें तो कोई समस्या ही नहीं है। उस रात ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें काम का कोई बोझ है। तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो स्वर्ग सिधार गए। देश हमारा, हम इस देश के हैं। मिलकर बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। अरे, असली वक्त तो अब आया है जागने का। नज़ीर हुसैन साहब 60-70 के दशक के एक करेक्टर आर्टिस्ट थे। उस दिन समोसे खाकर जो मुझे मजा आया था, वो मजा मैं अपनी सारी दौलत से नहीं खरीद सकता। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मतलब कि आपने उनकी फिल्में जरूर देखी हैं। वैसे आप बताइएगा कि उनका नाम लेते ही आपकी आंखों के सामने कौन सी फिल्म आ जाती है, या आपने अगर उनकी कोई फिल्म देखी है तो वो कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे इस 20-25 मिनट के वीडियो में हमारी की गई 20 से 25 दिनों की मेहनत को साकार कर देता है। साथ ही आपका एक एक व्यू किसी न किसी तरीके से हमारी और हमारे परिवार की आर्थिक मदद करता है। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।